तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है आमतौर पर अभी सुबह हम देखते हैं कुछ ही मिनटों में करीबन 11 बजे के आसपास शुरू हो जाएगा। राष्ट्रपति वाहन से बाहर निकले, संसद भवन के अंदर प्रवेश करते हुए राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति। धीरे धीरे लेकिन सधे कदमों से राष्ट्रपति, साथ में प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष केंद्रीय कक्ष की ओर बढ़ते हुए, हम बता दें कुछ क्षण पश्चात राष्ट्रपति संयुक्त सत्र को संबोधित करने वाले हैं संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में। धीरे धीरे सधे कदमों से आगे बढ़ते हुए राष्ट्रपति, साथ में प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और कुछ क्षण के पश्चात राष्ट्रपति संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के भीतर होंगे जहां वो अभिभाषण देंगे, संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर और धीरे धीरे सधे कदमों से और अंदर का एक दृश्य देखा था कि किस तरीके से बेकरारी से इंतजार किया जा रहा है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का। ऐतिहासिक पल, ऐतिहासिक क्षण, एक बार फिर से गवाह बनने वाला है केंद्रीय कक्ष संसद भवन का। धीमे लेकिन सधे कदमों से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति सब संसद भवन के केंद्रीय कक्ष की ओर बढ़ते हुए। आप देख सकते हैं सबसे पहले हैं लोकसभा अध्यक्ष, फिर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, साथ में राष्ट्रपति और ये प्रवेश करते हुए। माननीय सभासदों, महामहिम राष्ट्रपति जी,
आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।